पाकिस्तान में फाइनली हिंदुओं को बराबरी का दर्जा मिलने की तरफ एक अहम कदम उठाया गया है। हिंदू मैरिज बिल 2017 पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब पाकिस्तान में हिंदुओं के पास अपना विवाह का कानून होगा। हिंदू अपने रीति रिवाजों के साथ शादी कर सकेंगे। इस बिल का पाकिस्तानी हिंदुओं को लंबे वक्त से बेसब्री के साथ इंतजार था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि हिंदू अल्पसंख्यक उतने ही देशभक्त हैं जितने और लोग, ऐसे में उन्हें बराबरी का हक मिलना ही चाहिए। राष्ट्रपति की ओर से मुहर लग जाने के बाद से अब ये कानून पूरे पाकिस्तान में लागू होगा। हालांकि सिंध क्षेत्र में सिर्फ इसे लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि सिंध क्षेत्र में अलग मैरिज एक्ट लागू है। इस कानून को बनने के बाद अब शादी से जुड़े हक हिंदुओं को मिल जाएंगे। महिलाओं, परिजनों, माँ और बच्चों को उनके पूरे कानूनी हक दिए जाएंगे। कानूनन शादी तोड़ने के बाद पति और बच्चों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। तलाकशुदा हिंदू दूसरी शादी कर पाएंगे। हिंदू विधवा पति की मौत के 6 महीने बाद फिर से शादी करने के लिए आज़ाद होगी। इसके अलावा पहले की हिंदू शादियों को मंजूर किया जा रहा है और पुराने विवादों को फैमिली कोर्ट में सुने जाने की भी इजाज़त मिल गई है। कानून तोड़ा गया तो अब पाकिस्तानी कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में ये बिल हिंदुओं का बराबरी की लड़ाई में एक कदम मजबूत करेगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।